Flowers are extremely important in every social events. Usage of flowers ranges from festivals to occasions. They are after thrown away into water bodies, choking them and making them poisonous. Same problem persists in case of landfills, where most of the waste generated from flower market is dumped. Approximately 5 metric tons of waste is dumped daily in Gajipur landfill alone. Nirmalya is about upcycling flower waste into natural products. Our handmade soap is filled with goodness of pure glycerin, essential oils and flowers. We used petals, grinded powder and flower extract at various levels of soap making. We also made premium quality chemical-free incense stick ethically produced by using richest herbs for green, clean and pure spiritual experience. We also tried to devise eco-friendly way to degenerate flower waste and residual parts into compost. काम कर सकते हैं हम लोग, कोई आसान काम है। आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा, सीखने में देखने में बहुत अच्छा लगा। अगर ये काम आप लोग फिर हमें सिखाओगे तो हम सीखेंगे, हम अच्छा लग रहा है ये काम करना। यहाँ देखने को मिला है, बना लेंगे। मतलब हमें लगता था बहुत मुश्किल है, पर इतना भी मुश्किल नहीं है, बनाएंगे तो बना सकते हैं। बहुत अच्छे ऐसे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक धार्मिक विचार से एक जुटा करके आप लोगों ने ऐसा किया है कि जो हम लोग फूल फेंकते हैं बेकार हो जाता है, उसको आपने सदुपयोग करके आपने जो है ये साबुन बनाए हैं। तो वो एक यूज आई है चीज कि फूल चढ़ा हुआ है, उस फूल की अगरबत्ती बनाई और वो दोबारा आके लोगों के घरों में चली, भगवान के घर में चली, और जगह जहाँ जहाँ इस्तेमाल होनी है वो होगी, उसमें कोई नुकसान तो नहीं। वो एक अच्छा है कि कोई चीज़ रिसाइकिल होकर दोबारा आई, और उसके बाद वो उस तरह से है कि वो भगवान के ही काम में, पूजा के काम में या कहीं पे भी वो आएगी, वो इस्तेमाल होगी, उसके बाद उसमें ऐसा कुछ नहीं बच जाता कि इसको रिसाइकिल करना पड़ा। बहुत अच्छा लगा बेटा, आप लोग ये काम कर रहे हैं तो आजकल तो पॉल्यूशन को कम करने के सब काम कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, इससे भी कुछ पॉल्यूशन कम होगा, कचरा है वो कम होगा।